अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से अमर ट्रेडर शॉप पर आ चुका हूँ। मेरे साथ आज फिर से ताहिर भाई हैं। तो आज हम आप दोस्तों के लिए 5.25 लाख की बिल्ड लाए हैं। सब की सब इसमें हैवी चीज़ें हमने लगाने की कोशिश की है। तो विद मोनीटर ये 5.25 लाख की है। इसमें हमने गेमिंग मोनीटर भी तकरीबन को 70,000 के आसपास की बजट का मोनीटर है सैमसंग वाला, तो वो वाला ऐड किया है। बाकी ये ग्राफिक कार्ड आप देख सकते हो, और यहाँ पर कैबिनेट भी टोटली प्रीमियम हमने हैवी यूज़ किया है। तो सारी जितने भी स्पेक्स लगाए हैं उनकी प्राइसेस और उनके मॉडल वगैरह आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। 3080 कार्ड है हमारे पास यूज़ में, A+ कंडीशन है, बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल शाइनिंग के साथ हीट पाइप्स हैं, ठीक है। और टेम्परेचर भी इसका काफ़ी अच्छा है, 64-65 डिग्री तक जाता है, ठीक है। और ये ऐसे होता है कि लास्ट में आपको पता है माइनिंग के रेट गिर गए हैं, ठीक है। तो जो लास्ट 1-2 मंथ में लोगों ने यूज़ किए हैं, ये वो कार्ड होते हैं, खुद चेक करके लेते हैं प्रॉपर, ठीक है। माइनिंग कार्ड से खुद भी डर लग रहा होता है कि ज़्यादा अगर चले हो तो जाहिर है उसमें मसला आ सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल A+ कार्ड जो भी यहाँ से मिलेगा आपको A+ कार्ड मिलेगा, ठीक है। खुद चेक करके, विद बॉक्स है, A+ कंडीशन में 3080 कार्ड है, DDR6 होता है, 10 GB का कार्ड होता है। एडिटिंग के लिए, गेमिंग के लिए, हर चीज़ के लिए बेहतरीन कार्ड है ये, ठीक है। और बड़ी अच्छी प्राइस में है, और इसकी जो प्राइस हम दे रहे हैं 1,45,000 रुपये, ठीक है। बड़े कार्ड में ये बड़े कस्टमर के लिए कार्ड है। 3070 एक पड़ा है, बड़ी अच्छी कंडीशन में, A+ कंडीशन है, ये देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल शाइनिंग पाइप के साथ हैं, हीट सिंक पैड वगैरह बिल्कुल अच्छे हैं, बेहतरीन कार्ड। और 3070 कार्ड है, 8 GB का कार्ड है। अगर पहले से कंपेयर करें प्राइसेस तो रफाकत भाई फ्री में एक किस्म का देखा जाए तो पहले तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। अभी भी अगर देखा जाए 3070 की 130, 135, 140 चल रही है प्राइस। पहले तो 2 लाख+ गया हुआ था माइनिंग में, तो अभी जो हम ये ऑफर कर रहे हैं 95,000 में विद बॉक्स A+ कंडीशन। इसी तरह रफाकत भाई, किसी कस्टमर गेमिंग बिल्ड के लिए, लुक के लिए बेहतरीन स्लीव केबल हैं, ठीक है। मुख्तलिफ कवर कलर्स में अवेलेबल है हमारे पास, और बहुत अच्छी प्राइस के साथ हैं। ये आपको ब्लू, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज कह लें या गोल्डन ब्लैक कह लें, रेड कलर में, और इसी तरह पर्पल ब्लैक और वाइट ब्लैक और ग्रे ब्लैक में, ठीक है। इसमें जो सब पैकेट में है 24 पिन + 6 + 2 जो 8 पिन होती है VGA वाली, वो 2 केबलें होती हैं, ठीक है। ये हम ऑफर कर रहे हैं 4500 में, और अगर कोई दुकानदार भाई लेना चाह रहा है तो उसको होलसेल रेट में इससे कम में देंगे, और अगर वो क्वांटिटी बढ़ाता है तो काफ़ी अच्छे प्राइसेज हैं, तो इसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दुकानदार भाई जो हैं, शॉपकीपर हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ताहिर भाई, ये बताएं कि यार ये जो हमने पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या स्पेक्स हम लगा रहे हैं और उनकी प्राइस अभी क्या दे रहे हैं आप? रफाकत भाई, सबसे पहले तो ये अपडेट कर दूं कि इसमें जो राइजन का न्यू प्रोसेसर आया हुआ है 7000 सीरीज़ का, वो हम यूज़ करेंगे DDR5 RAM के साथ, और लिक्विड कूलर भी अच्छा लगाएंगे जो नया मॉडल आया डीप कूल का। इसी तरह अदर एक्सपेक्ट काफ़ी अच्छे हैं, प्रीमियम बिल्ड होगी, और कैबिनेट वगैरह सारी छोटी मोटी डिटेल बताएंगे, उसके अलावा जो स्पेक्स वगैरह जो होंगे, बेसिक स्पेक्स होंगे, ठीक है, वो बता देते हैं, ठीक है। बाकी इनकी डिटेल वगैरह गूगल पे होती है, डिटेल स्पेक्स वगैरह। तो सबसे पहले ये बताएं ये जो कैबिनेट है किस ब्रांड का है और मॉडल क्या है इसका? रफाकत भाई, ये डीप कूल ब्रांड का है, और 3 RGB फैन के साथ ARGB जो मदरबोर्ड के साथ सिंक भी हो जाते हैं, प्लस एक बैग पे सिंपल होता है फैन इसका 120mm का, ठीक है। और आप इसको केस को इस वजह से सिलेक्ट किया, 360mm का रेडिएटर लगा रहे हैं जो टॉप पे इसके सपोर्टेड होगा, ठीक है। ज़्यादातर कैबिनेट होते हैं वो फ्रंट पे 360 लगाना पड़ता है, तो इस पर आप टॉप पे लगा सकते हैं, प्लस इसकी लुक बड़ी यूनिक टाइप की, आपको इधर भी RGB स्ट्रिप मिल जाती है, प्लस इसके कैबिनेट के ऊपर टेम्पर्ड ग्लास पड़ा होता है, ठीक है। और जो ये लाइट लगी है ना वो शेड भी नज़र आ रहा होता है आपको, तो लुक भी बड़ी यूनिक ही है इसकी, अच्छी लुक के साथ है। और प्राइस जो है इसकी 21,000 है, ठीक है, 21,000 रुपये के। और इसके बाद जो हम इसमें कूल SSD यूज़ करेंगे वो भी प्रीमियम है, सबसे सैमसंग की है 980 Pro Gen 4 वाली, ठीक है। इसको जो रीड राइट होता है तकरीबन 7000 MB होता है, और ये विद हीट सिंक मॉडल है, इसकी प्राइस है 36,000 रुपये। ये हीट सिंक इसकी RGB है या नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल होती है, लेकिन इसके SSD के साथ अपनी आती है, एक विदाउट वाली भी आती है हीट सिंक वाली, इस टाइम अवेलेबिलिटी हीट सिंक वाली की थी, वो तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये सस्ती होती है, ठीक है। तो हम इसमें हीट सिंक वाली यूज़ करेंगे जिसकी प्राइस है 36,000, ठीक है। और इसके बाद ये प्रोफेशनल यूज़र यूज़ का करेगा, गेमर भी यूज़ कर सकता है, तो हम SSD स्टोरेज भी जो लगाएंगे ना वो भी अच्छी वाली है, 870 वो मॉडल है सैमसंग का, सबसे बेस्ट SSD होती है, तकरीबन इसका रीड जो होता है 560 होता है और राइट 530 MB होता है, और विद DRAM कैशे के साथ होती है, सबसे अच्छी SSD काउंट होती है इस टाइम की। और इसकी जो प्राइस है 1 TB की 23,000 रुपये, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद ये बताएं कि ये जो हम पावर सप्लाई इसमें लगा रहे हैं ये 750 वॉल्ट की है और इसकी क्या प्राइस अभी दे रहे हैं? रफाकत भाई, ये भी XPG की सप्लाई है, ताइवान का अच्छा प्रीमियम ब्रांड में काउंट होता है और इसकी सीरीज वाइज भी हम कोर रिएक्टर लगा रहे हैं, तो 750 वाट फुल मॉड्यूलर 750 वाट 80+ गोल्ड होती है, ठीक है। और जो हम कार्ड इसमें तकरीबन लगा रहे हैं 30-70 आगे जाके बताते हैं, तो उस हिसाब से ये सप्लाई भी प्रीमियम क्वालिटी की लगा रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो प्राइस है 29,500 है, ठीक हो गया। और इस उसके बाद फिर मदरबोर्ड का पहले बता दें, फिर प्रोसेसर पर आते हैं और कूलर वगैरह, तो मदरबोर्ड कौन सा है इसमें? मदरबोर्ड भी रफाकत भाई बिल्कुल लेटेस्ट है, 7000 सीरीज के लिए 2650 है, थोड़ा सा प्रोसेसर वाइज हल्का होगा लेकिन इस टाइम अवेलेबिलिटी प्लस प्राइस जो है ना इनकी काफ़ी हाई है, तो इस वजह से बजट को देखते हुए तो बोर्ड हमने 2650 लगाया है, ठीक है। इसको खोल के जरा सा मदरबोर्ड को दिखाएं, एसरो ATX मदरबोर्ड है 2650, DDR5 सपोर्टेड होता है, DDR4 सपोर्टेड नहीं होता, इस पर DDR5 रैम ही यूज़ हो सकती है। इसके अलावा आप इस पर सिंक वगैरह और USB 3.1 सारी लैन कार्ड अच्छे लगा होता है, तो इस मदरबोर्ड की इस टाइम जो प्राइस है ना 72,000 रुपये, 72,000, ठीक है। और इसके अलावा जो हम इस पर रैम लगाएंगे कोर्सेयर की है, RGB DDR5 कोर्सेयर वेंजर्स है और ये 5200 MHz की होती है, 5200 MHz, 32 GB की किट है 16x2, ठीक है। और इसकी जो प्राइस है 50,000 है, ठीक है। ये दो रैम यूज़ करेंगे इस पर। और इसके बाद आ जाता है कूलर, हमारे पास ये डीप कूल का है LT720, बड़ी यूनिक लुक के साथ दिया है लोगों के साथ, फ़ैन इसके सिंपल होते हैं, ये जो लोगो है इसका RGB होता है और Gen 4 की मोटर लगी होती है इसमें, और ये भी डीप कूल का नया वेरिएंट आया, नया मॉडल है, और इसकी जो प्राइस है 360 में हम लगाएंगे इसको और इसकी प्राइस है 32,000, ठीक है। 32,000 इसकी प्राइस हो गई है। और उसके बाद फिर ये आ जाता है प्रोसेसर हम जो यूज़ कर रहे हैं सबसे लास्ट में, बिल्कुल लेटेस्ट सीरीज का 7000 सीरीज का है, 7700X Ryzen 7 होता है, ठीक है। और इसके जो स्पेक्स हैं तकरीबन ये 8 कोर 16 थ्रेड्स के साथ होता है, ठीक है। और 40 MB कैशी होती है इसकी, और बेसिक जो क्लॉक स्पीड होती है 4.5 होती है, और इसका जो बूस्ट होता है वो 5.4 पे होता है, ठीक है। और इसकी क्या प्राइस दे रहे हैं? इसकी प्राइस है 85,000। और उसके बाद फिर आ जाते हैं ग्राफिक कार्ड पर, इसकी क्या प्राइस है और इसकी कंडीशन क्या है? ग्राफिक्स कार्ड में ज़्यादातर आजकल यूज सेल हो रहे हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं कस्टमर को ए प्लस कंडीशन में अच्छे, नॉन माइंड तो नहीं कह सकते लेकिन जो लास्ट माइनिंग में अभी का रेट कम हुआ है माइंड का, तो लास्ट में जो यूज़ हुए हैं ज़्यादा यूज़ नहीं हुए, ए प्लस कंडीशन होती है विद बॉक्स होता है, और RTX 3070 है, बड़े वैल्यूएबल प्राइस में है, 95,000 का ये ए प्लस कंडीशन होगी विद बॉक्स के साथ। अगर सही तरीके से माइनिंग पर यूज़ किया जाएगा तो कार्ड को कुछ नहीं होता है, कुछ कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह अगर ऊपर ना जाए, इसका तकरीबन बेंचमार्क किया 64 है इसका टेम्परेचर फॉर मार्क पे, ठीक है। और इसी तरह इसको हम LED जो है एडिटिंग प्लस गेमिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, IPS पैनल वाली, ठीक है, M27F, और ये 165 Hz की IPS पैनल के साथ है, 1 ms के साथ है और 1080 होती है, इसकी प्राइस जो है 73,000 है। इस टोटल अमाउंट को तकरीबन काउंट करें तो इसकी प्राइस बनती है तकरीबन 5,16,500 रुपये की, ठीक है। इसके अलावा कोई कस्टमर जो है स्पेक्स वगैरह चेंज करना चाहता है या कोई और उसको इससे कम प्राइस में बिल्ड रिक्वायर्ड है, तो हमें डिस्क्रिप्शन में नंबर और एड्रेस दिया हुआ है, उस पर मैसेज करके पूछ सकता है। बाकी इस तरह की कोई बिल्ड चाहिए तो भाई हमसे रब्ता करें, और आमी ट्रेडर शॉप है हमारी, और वेबसाइट भी amitrader.com और लोअर ग्राउंड मिडवे सेंट्रम 6 रोड पे शॉप है एड्रेस, तो उस पर रब्ता कर सकते। अच्छा, तो साथ में ये बताएं कि ये जो जितनी भी हमने नई चीज़ें बताई हैं या जो यूज़ जैसे कि ग्राफिक कार्ड हो गया, तो उनकी वारंटी वगैरह भी दे रहे हैं? रफाकत भाई, जो कार्ड की वारंटी होती है ना वो तकरीबन हम 15 डेज चेकिंग वारंटी देते हैं, यहाँ पे बेंचमार्क वगैरह चेक भी करा देते हैं, टेम्परेचर वगैरह भी। जो ये प्रोसेसर और ये मदरबोर्ड है ना, ये खुद इंपोर्ट किया हुआ है इस टाइम में, इसके जो हम देते हैं 90 डेज लोकल वारंटी दे रहे होते हैं खुद से, खुद की अपनी वारंटी होती है, ये खुद की वारंटी होती है क्योंकि ये अभी ऑफिशियली इतनी आया नहीं है यहाँ पे। रैम की जो होती है 10 मंथ्स लोकल वारंटी होती है, इसी तरह कूलर की कहेंगे 10 मंथ्स लोकल वारंटी है, और कैबिनेट की चेक वारंटी होती है, बाकी SSDs पावर सप्लाई LEDs हो गई, इन सब की 10 मंथ्स लोकल वारंटी देंगे, पिन पैक हो, ठीक हो गया। तो अच्छा, एक और चीज़ बता दें, अक्सर बंदों का यह सवाल होता है जैसे कि अगर कोई बंदा नया ग्राफिक कार्ड लेता है तो उसमें अगर उसका ग्राफिक कार्ड जल जाता है या ख़राब हो जाता है, मतलब है कि बिल्कुल, उसमें वो रिप्लेसमेंट मिलती है या वो रिपेयर करके देते हैं या उसके क्या? रफाकत भाई, ऐसा है कि डेड ग्राफिक्स कार्ड कंडीशन वाइज बहुत मैटर करता है, अगर उस पर बर्न का नज़र आ रहा है
प्लस उसमें स्मेल है, फिर वो कंडीशनल वारंटी में जाता है अगर कंपनी उसको रिजेक्ट कर सकती है। और अदर कंडीशन में आपका ज़्यादातर रिप्लेसमेंट ऑप्शन होता है, और उसमें ये भी होता है अगर कंपनी रिपेयर करके दे देती है तो तब भी हमें ओके कार्ड चाहिए होता है कस्टमर को भी, तो वो रिपेयर प्लस रिप्लेसमेंट दोनों ऑप्शन होते हैं। अगर मतलब रिपेयरेबल ना हो तो फिर रिप्लेसमेंट फिर कंपनी रिप्लेस करके देती है। जो लोकल वारंटी होगी उसकी सपोर्ट मिलती है, इंटरनेशनल वारंटी की सपोर्ट नहीं होती पाकिस्तान में, वो आप नो वारंटी काउंट करें। ठीक है, तो आप अगर ये बिल्ड बंदा कोई ऑनलाइन पाकिस्तान की किसी और सिटी से मंगवाना चाहे तो वो भी करते हैं? रफाकत भाई, ऐसा है कि ज़्यादातर कस्टमर पूछ रहे होता कैश ऑन डिलीवरी का, तो ये महंगी आइटम होती है, कैश ऑन डिलीवरी तो हम नहीं करते। उसके लिए अगर वो पहले ऑनलाइन अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है तो उसको हम यहाँ से शिप करवा देते हैं। ठीक हो गया। तो दोस्तों शॉप का कॉन्टैक्ट और एड्रेस जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप शॉप से कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन डिलीवरी भी मंगवा सकते हैं या फिजिकली भी शॉप पर विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।